आपको पता है? Any common thread can activate stored emotions. जी हाँ, past के emotions कई बार unrelated situations में सिर्फ इसलिए present हो जाते हैं क्योंकि कुछ related नजर आ जाता है. दरअसल feelings की expiry date नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं deeper corners में brain के, और फिर वापस आती हैं बिना किसी permission या prior notice के, और वो भी कई बार ऐसे बहाने से जिसे हम rationally justify भी नहीं कर सकते. इस seemingly irrational phenomena की तरफ हमें accommodating होना चाहिए. Well, चाहे घर हो या ऑफिस, जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को मिस कर जाते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है. आइए देखें एक इंटरपर्सनल सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर. ईरा, आई थिंक वी नीड टू टॉक. तुझे हुआ क्या है? मैं लास्ट 3 मीटिंग्स से देख रही हूँ. व्हाई यू हैव टू एक्ट सो वियर्डली टू राम्स कमेंट्स? इट्स नॉट व्हाट ही सेज शुभी, इट्स हाउ ही सेज इट. मतलब वो इतने ऊंची आवाज में बात करने लगता है. You know, that's when I lose him. That's his style, Ira. I know, Shubhi, but I guess it presses some wrong buttons in me. मैं समझी नहीं. You know what? जब भी घर में कुछ discussion होता था, तो भैया भी इसी तरह ऊंची आवाज करके मुझे चुप कर देते थे. I used to hate it. ये क्या बात हुई, Ira? What does Ram have to do with it? तुम इस तरह एक unreasonably baseless feeling पर needlessly react नहीं कर सकती. Sorry, but it just does not make any sense. So what went wrong here? आपने देखा, शुभी ने इरा से कहा कि वो unreasonably एक baseless feeling पर needlessly react नहीं कर सकती. Well, let's apply social and emotional intelligence to understand कि ऐसा कहना क्यों सही नहीं है. इरा के साथ जो हो रहा है उसे साइकोलॉजी में ट्रांसफरेंस कहा जाता है. ट्रांसफरेंस यानी अपने अतीत के किसी पर्सन या चीज से जुड़ी अनसुलझी फीलिंग्स को प्रेजेंट में किसी और पर्सन या चीज पर रीडायरेक्ट या ट्रांसफर करना. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि जब भी किसी एक्सपीरियंस के दौरान इमोशंस का स्ट्रांग एक्टिवेशन होता है तो उस एक्सपीरियंस के इमोशनल एस्पेक्ट्स को मेमोरी में स्टोर करने में एमिग्डाला नाम के एक पार्ट का रोल होता है, और उस एक्सपीरियंस के फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को मेमोरी में स्टोर करने में हिप्पोकैम्पस नाम के एक पार्ट का रोल. दिस इंटरैक्शन ऑफ एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस इज एट द हार्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसोलिडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इमोशनल मेमोरीज. जी हाँ, इन दोनों रीजन्स का मिलाप एक ऐसी स्पेशल टाइप की मेमोरी को फॉर्म करता है जिसे एसोसिएटिव मेमोरी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन एक पर्टिकुलर सिंगर के सॉन्ग को सुनकर अनरीजनेबली सैड फील करने लग जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसों पहले जब उस पर्सन को एक पर्सनल लॉस की सैड न्यूज़ मिली थी उस वक्त रेडियो पर उसी सिंगर का गाना आ रहा था. अब उस पर्सन के ब्रेन में उस इंसिडेंट के जो सर्किट्स फॉर्म हुए थे उनमें उस सिंगर की आवाज़ भी एक एसोसिएटेड फैक्चुअल आइटम था. ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, इवन दैट वन फैक्चुअल आइटम इज केपेबल इनफ टू इंडिपेंडेंटली इन्वोक दैट होल इमोशनल मेमोरी. आइए अब अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही तो इरा के साथ हो रहा है. इरा के बड़े भाई की डोमिनेंस से जुड़ी एसोसिएटिव मेमोरीज का राम के ऊंची आवाज़ में बात करने से एक्टिवेशन, और इससे अनरीजनेबल कहने से तो दरअसल इस मैटर को एड्रेस करने के सारे रास्ते और बंद हो जाएंगे. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, एनी कॉमन थ्रेड कैन एक्टिवेट स्टोर्ड इमोशंस. इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली बार.